साथियों, आज हम अपने एक बहुत चहेते संगठन जिसका नाम अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई और एसोसिएट अंबेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इन दोनों संगठनों के सत्कारों के प्रति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए और उनके माध्यम से समस्त जगत को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आए हैं। ये दो संगठन सामान्य रूप से और भाई संजय जी विशेष रूप से हमारी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि उन्होंने मिडल ईस्ट में जाकर के अंबेडकरवाद के एक सफल राजदूत की भूमिका निभाने में संलग्न हैं। यद्यपि हमारे बहुत सारे मित्र सारी दुनिया में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बात कही थी एन शिवराज जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की डेथ के अवसर पर, जब उनकी बॉडी उनके सामने पड़ी थी अरब महासागर के किनारे चैत्य भूमि जहां पर अब बनी है इस जगह दादर चौपाटी पर, तो उन्होंने वो विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा था डेड अंबेडकर इज मोर पावरफुल देन लिव्ड अंबेडकर, ये मरा हुआ अंबेडकर जीवित अंबेडकर से अधिक शक्तिशाली है। ये बात आज हमें संजय जी के माध्यम से पता चली। आम आदमी को नहीं पता कि जिसे मध्य एशिया कहते हैं ना, मिडल ईस्ट, वहां पर भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के वो दीवाने जो पे बैक टू सोसाइटी में यकीन रखते हैं, वहां जाकर भी उन्होंने अंबेडकर और अंबेडकरवाद की पताका को बहुत उतंग करके फहरा रखा है। आज बाबा साहब के चले जाने के बाद बाबा साहब का असली स्वरूप हमारे सामने आया। क्या स्वरूप आया कि जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु पर लड्डू बांटने वाले लोग थे, आज वो उनकी जयंतियां मना रहे हैं। आज वो उनकी जयंती मनाने का श्रेय हड़पने के चक्कर में लगे हैं। तो ये महापुरुषों की महानता होती है कि जिनका गुणगान उनके अपने अनुयायी नहीं बल्कि शत्रु भी करने लगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आज अंतरराष्ट्रीय स्वरूप उभर कर सामने आया है। किस रूप में? कि देखिए, एक मिस्टर नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, वहां के लोग उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंबेडकर। एक आपने देखा होगा मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, उनको क्या बोलते हैं, द अमेरिकन अंबेडकर, अंबेडकर ऑफ द अमेरिका। एक जापान में मास्टर मोत्सो मोटो, आप जानते होंगे कि जापान में भी कुछ अनटचेबल्स हैं जिनको ब्रो को कहा जाता है, और मिन का मतलब होता है सेक्ट, एक ग्रुप, एक वर्ग, तो उनको कहते हैं ब्रो को मिन। उनके जो इमेंसिपेटर थे, मुक्तिदाता थे, उस संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्वर देने वाले महापुरुष थे, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर उन्होंने अपने देश के जो अछूत लोग हैं, ब्रो कम्युनिस्ट हैं, उनकी मुक्ति का बिगुल फूंका था। तो साथियों, वो मोसो मोतो को आजकल क्या कहते हैं, द अंबेडकर ऑफ जापान। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, न्यूजीलैंड के आदिवासी, सबने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर में अपने मुक्तिदाता की जो छवि देखी है, ये अप्रतिम उपलब्धि है बाबा साहब के चले जाने के बाद उनके व्यक्तित्व की। जब नेल्सन मंडेला इस देश में आए थे 1991 में, तो क्या कह के गए थे कि मुझे अपने देश का संविधान लिखने का जब अवसर मिलेगा तो मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से प्रेरणा लेकर अपने देश का संविधान बनाऊंगा, और बनाया भी उन्होंने। वो अपने वायदे के पक्के निकले। अभी मिस्टर ओबामा आए थे भारतवर्ष में, और उन्होंने जिस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में अपने शब्द व्यक्त किए थे, उससे कुछ और हो या ना हो, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के पश्चात उनके अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का पता चलता। अभी पिछले दिनों जापान में बाबा साहब का स्टेचू रखा गया, अमेरिका में, कनाडा में, तो कई जगह उनके स्टेचू रखे गए हैं, इंग्लैंड में, जर्मनी में, और तो और स्पेन में, पुर्तगाल में बाबा साहब के स्टेचू रखे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रखे गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप आज उभर कर आया है, ये किस लिए उभर के आया है कि हमारे
भाई हमारे बच्चे जो विदेशों में गए और वहां जाने के बाद पे बैक टू द सोसाइटी के तत्व को भूले नहीं, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो उनके मसीहा हैं, जो उनके मुक्तिदाता हैं, जो उनके मार्गदाता हैं, उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया, उन्होंने हमें जनतंत्र दिया, लोकतंत्र दिया, मगर एक उपलब्धि उनकी यह है कि जाते जाते वो हमें भगवान बुद्ध की शरण दे गए। और भगवान बुद्ध ने क्या दिया? भगवान बुद्ध ने दी करुणा। भारतवर्ष में करुणा का व्यवहार लुप्त होता जा रहा था, तो आज आप देखिए जब किसी चीज के साथ अनर्थ होता है, हक तल्फी होती है, तो प्रकृति हस्तक्षेप करती है। आज प्रकृति हमारे सामने बुद्ध की करुणा का लोप होता देख करके कोरोना के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है। तो इसका मतलब यह है कि हमें बुद्ध का रास्ता नहीं छोड़ना, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग नहीं छोड़ना, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो विदेश में हमारे भारतीय लोग जिनको NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अमेरिका ने सिंबल ऑफ द नॉलेज, देखिए यहां देश में क्या पूछता है अंधविश्वास, अमेरिका में क्या चीज उत्तुंग होकर फहरा रही है, वो है नॉलेज, ज्ञान। वहां के विश्वविद्यालय ने, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, अपना एक्स स्टूडेंट होने के नाते उन पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सेना छोड़ा करके गर्व महसूस किया और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कह दिया। कितनी बड़ी बात है। भारत सरकार ने एक राजनीतिक उपाधि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को दी, भारत रत्न। क्या बाबा साहब भारत रत्न है? नहीं। आज सारी दुनिया के जितने भी पतित लोग हैं, दलित लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं, वो सब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग में अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कहो या न कहो, आज के वर्तमान परिवेश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति जिस प्रकार से व्याप्त हुई है, हम उनको विश्वभूषण कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज ये जो संगठन है अपना, जो UAE में भाई संजय जी के विषय में मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे संगठन साहित्य के प्रकाशन को, साहित्य के काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और उसको बदनाम करने का काम करते हैं, मगर इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जहां यह अनेक माध्यम से समाज को जागरूक करने में, अग्रसर करने में व्यस्त है, वहीं ये साहित्य के महत्व को भी बरकरार रखकर चल रहे हैं। मेरा जैसा व्यक्ति जो ये मानता है कि उत्तर भारत में कोई सबसे बड़ा पुस्तकालय किसी का है आज की तारीख में व्यक्तिगत पुस्तकालय, तो वो सम्यक प्रकाशन में हमारा पुस्तकालय है। लोग यहां से किताबें लेते हैं, खरीदते हैं, वो बात अलग है, मगर मदद के लिए भी लेते हैं, मगर मेरे जैसे व्यक्ति को भी किताबें देने का काम अगर कोई करते हैं तो भाई संजय जी करते हैं, उनका संगठन करता है। इसलिए वो हर प्रकार से हमारे साधुवाद के पात्र हैं। वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरापद रहें और प्रगति पथ पर इस प्रकार अग्रसर हो कि अपने देश बंधुओं को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को भी कभी ना भूलें। तो मैं समझता हूं आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति ना केवल ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है, अपितु ये जो हमारे लाडले प्रिय जो संगठन है अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन UAE एंड एसोसिएट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट, ये भी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का जय भीम।